अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको यूज़फुल ट्रैवल रिलेटेड टिप्स देने वाला हूँ, स्पेशली जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया कनाडा में रहते हुए, और उनको टिप्स चाहिए कि किस तरह आप चीप फ्लाइट टिकट्स सर्च कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी यूज़फुल होने वाली। देखें भाई, जहाँ तक बात है ट्रैवल करने की, आप लोगों को, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको वो शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे, और अगर आप लोग नहीं भी करते, सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें कि मुझे ख़ुद ट्रैवल का शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा जो ट्रैवल का पैशन है, छोटी सी दुनिया बहुत बड़ी है, 200 प्लस कंट्रीज़ में से 44 कंट्रीज इन 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स मेरा जाने का मुझे मौका मिला, और ये मैं समझता हूँ मेरे लिए ब्लेसिंग है, और कि मुझे थोड़ा बहुत दुनिया देखने का मौका मिला, जिसमें रशिया 2 दफ़ा, फ़लस्तीन 3 दफ़ा, और जॉर्डन इजिप्ट 2 दफ़ा, इस तरह और भी कुछ कंट्रीज़, जिसमें फिर स्कैंडिनेवियन भी आ गया, और एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्री है वो भी। तो डिफरेंट दुनिया में डिफरेंट जो है जाने का और ट्रैवल करने का, मुल्कों में जाने का मौका मिला। अब आप सबको पता है कि ट्रैवल एक ऐसी हॉबी है, ऐसा शौक़ है जो कि ख़र्चे के साथ आता है, ये एक चीप हॉबी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो ख़र्चा होता है वो है आपका होता है फ़्लाइट्स का। अब फ़्लाइट्स किस तरह आप चीप ले सकते हैं? अच्छा, मैं अपनी अगर बात करूं तो वो ज़माना अभी तो चला गया आजकल के दौर में कि जब आप लोग, हाँ स्टिल लोग जो है ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं उनके पास जाते हैं, और उनसे जो लोग स्पेशली हमारे ओल्डर फोक्स हैं उनके पास जाके जो है ये टिकट्स वगैरह बाय करते हैं। लेकिन मुझे, मैं अपनी बात करूँ, 12-13 साल से ज़्यादा हो गए कि मैंने कोई ट्रैवल एजेंट्स के पास नहीं गया और ख़ुद ही देखता हूँ। अच्छा, अब जो है मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप ख़ुद सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको कहूंगा, अगर आप इंडिया ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रहे हैं कनाडा से, अगर आप कैलगरी में, और डजंट मैटर आप कैलगरी में रहते हो, टोरंटो में, या विनिपेग या किसी और सिटी में कनाडा में, हर जगह से आप ये कर सकते हैं। 2-3 वेबसाइट्स आप पिक करें जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं समझता हूँ उससे कंपैरिजन रेट्स आपको पता चल जाते हैं, जिसमें गूगल फ्लाइट्स है, चीपो एयर और स्काई स्कैनर, ये 3 वेबसाइट्स में आप जाके, अगर आप राउंड ट्रिप फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलगरी से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, सही है, कैलगरी दिल्ली जाके लिख दिया, आपको वो राउंड ट्रिप प्राइस मिल जाएगी। गूगल फ्लाइट से भी आप चेक, अच्छा गूगल फ्लाइट्स में एक और बात अच्छी कि आपको जो है डेट्स पता चल जाती हैं, कौन से डेट्स में कितना जो आपका जो फेयर है उसका क्या आ रहा है, तो उसमें आप गूगल फ्लाइट, इस वजह से मैंने सबसे पहले वेबसाइट का नाम लिया कि उसमें आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है, तो आप डेट्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि मंडे ट्यूसडे वेनेसडे वीकडेज हो गए, उसमें आपको फ़्लाइट्स अगर उसमें ढूंढने, उसमें थोड़े से चीपर मिलती है बनिस्बत अगर आप वीकेंड पे ढूंढ रहे हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी डेस्टिनेशन पे, आप किस सीज़न में जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो आप हो गया, ये आप जो है ये करें जाके चीप, ये 3 वेबसाइट्स मैंने बता दी। लेकिन दूसरा इसका तरीका ये है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और जिससे मुझे बेटर रेट्स मिलते हैं, बेटर रेट्स मुझे 2-3 फैक्टर्स हैं उसके मैं बारे में बात करूँगा आगे। मैं जो करता हूँ उसमें वेस्ट जेट मैं अपनी जो जर्नी है ब्रेक कर लेता हूँ, सही है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको जाना है कैलगरी टू दिल्ली या कैलगरी टू लाहौर, सही है, तो उसमें आप एक ही ट्रिप में 2 चीज़ें साथ कर सकते हैं, और ये लाइकलीहुड है कि आपको रेट्स भी अच्छे मिले। उसमें आप अपनी जो जर्नी है उसको ब्रेक कर दें यूरोप में, यूरोप की कुछ डेस्टिनेशंस का मैं नाम लूँगा, जैसे पेरिस हो गया, एडिनबर्ग हो गया, लंदन गैटविक स्पेशली हो गया, तो ये वो डेस्टिनेशंस है जिस में वेस्ट जेट चलती है के दरमियान, और भी जगहों पे चलती है, लेकिन जिस जगहों पे मैंने देखा ये ऐसी सिटीज़ है जिसकी आपको प्राइसेस अगर आप वेस्ट जेट की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको डिपेंड करता है अगेन सीज़न पे, आप इन 3 डेस्टिनेशंस को सर्च करें, और भी हो सकती है, रोम भी है इटली की,
तो इन तीन चार सिटीज़ को सर्च करें और आप देखें कि आप डिफरेंट डेट्स ट्राई करें, कौन सी डेट्स में आपको बेटर रेट्स मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो मैंने वेस्ट जेट के थ्रू मुझे अगर याद पड़ता है 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड का मैंने बुक किया था, राउंड ट्रिप यूरोप की कोई डेस्टिनेशन थी, वो अंडर $1,300 इंक्लूडिंग टैक्सेस राउंड ट्रिप टिकट। और फिर जो है वहाँ से अब मुझे आगे जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे, मैं यूरोप में जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं उनको पता है कि बहुत सी वहाँ पे बजट एयरलाइन चलती है, रायनेयर, इजी जेट वगैरह वगैरह। लेकिन ये आपने कर लिया, एम्स्टर्डम एक और सिटी, उसकी जो है आपको अच्छी प्राइसिंग भी मिलती है, तो वो एम्स्टर्डम भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। आगे आप जो है, अच्छा इससे दो फ़ायदे होंगे आपको, एक तो ये कि आपकी जर्नी ब्रेक हो जाएगी, आपको जो है बहुत लंबा सफ़र स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही, आप एक जगह जर्नी ब्रेक कर सकेंगे। आपको आप जो है एम्स्टर्डम में पहुँचे तो आप जो है 2 दिन वहाँ पे स्टे कर लें, या फिर पेरिस, लंदन वगैरह, इसमें आपको थकान भी इतनी नहीं होगी और आप वो जगह एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। फिर वहाँ से आप जो है अलग से फ़्लाइट बुक करें, लेट्स से एम्स्टर्डम टू दिल्ली राउंड ट्रिप, सही है, और उसको फिर इन दो वेस्ट जेट की जितनी प्राइस आपकी निकल रही है, और इसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, सही है, इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, डेट्स में वर्कआउट करना पड़ेगा, किस आपको जो है फ्लाइट्स कैसे मैच हो रही हैं, कितने दिन का स्टे वगैरह वगैरह, थोड़ा सा आपको वर्कआउट इस पर करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह मैंने ट्रैवल किया, मैंने एटलीस्ट 2-3 दफ़ा ट्रैवल किया जब हमें यूरोप में या मिडिल ईस्ट में कहीं जाना था, और तो डेफिनेटली वी सेव्ड अ लॉट। तो इसमें आगे जो है आप फिर एक राउंड ट्रिप गूगल फ्लाइट्स में जाके एम्स्टर्डम टू दिल्ली, एम्स्टर्डम टू लाहौर, या फिर लंदन टू लाहौर, जिस जगह भी आप लैंड कर रहे हैं वहाँ से पहले ये दो डिफरेंट फ्लाइट्स आपको देखनी पड़ेगी। अब आप कंपेयर करें जो आपने राउंड ट्रिप टिकट देखा है चीपो एयर पे जाके या गूगल फ्लाइट पे जाके, उसका टिकट कितना बन रहा है वर्सेस ये कितना बन रहा है, सही है। तो इसमें अगर आपको सेविंग मिल रही है तो आप डेफिनेटली जो है इस तरह बुक करा सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप यूरोप की कोई डेस्टिनेशन या कोई और इवन आप टर्की वगैरह बीच में रुक रुका के आप जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो अच्छा जो बेटर फेयर्स मिलते हैं वो यूरोप की इस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की कुछ डेस्टिनेशंस पे आपको मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ। हम लोग जनरली जो है एक दफ़ा ईस्टर्न यूरोप गए थे, वहाँ से लंदन में हमने ब्रेक लिया था, और फिर आगे जो है ईस्टर्न यूरोप, अल्बेनिया, मॉन्टेनेग्रो, क्रोएशिया वगैरह कर रहे थे, टर्की वगैरह, तो ये किया था। दूसरी दफ़ा में मैंने लास्ट ईयर ये मार्च में फ़लस्तीन जा रहे थे अपनी मदर को लेकर, हमने एम्स्टर्डम में किया था, दो नाइट्स का स्टे था, और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे तेल अवीव एयरपोर्ट, वहाँ से एम्स्टर्डम टू तेल अवीव चले गए थे, अलग से इजी जेट की फ़्लाइट लगी। तो इस तरह की ब्रेक कर लेते हैं आप कि चीप भी पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपको लगेज का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। मैं ज़रा अपनी बेटी को देख रहा हूँ वहाँ पे, मैं यहाँ पे लेगेसी है ये बैठा हूँ। हाँ, लगेज का आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, बिकॉज लगेज का अगर आप बहुत ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो जो हाँ, अगर आप इंडिया पाकिस्तान जा रहे हैं तो बड़ी एयरलाइंस होंगी तो उसमें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप यूरोप ही कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको बजट एयरलाइन में लगेज अपना खुद पे करना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन जो जिसके थ्रू मुझे जो है वो अलर्ट्स आते हैं के डिफरेंट डेस्टिनेशंस के, वो नेक्स्ट डिपार्चर के नाम से एक ऐप है जिसका मैं पेड मेंबर हूँ, और उसके आते रहते हैं, उससे मैंने काफ़ी डॉलर सेव किए हैं। तो उसमें भी आप लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं या फिर जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, वहाँ पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये कि मैं जो लोग फॉर एग्जांपल इस चीज़ में हेल्प, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से ट्रैवल करते हुए आ रहा हूँ, जो लोग इस चीज़ में मेरी असिस्टेंट चाहते हैं तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं aliekhan.shiraz@gmail.com। वो मामूली सी फीस लेके मैं उनका वर्कआउट कर सकता हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपकी फ़्लाइट में जो कोई मसला होता है इस तरह, तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जिस तरह आप ट्रैवल एजेंट्स बुक कराते हैं कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, कैंसिल हो गई, राइट, तो ट्रैवल एजेंट फिर आपका डील करता है,
आई एम नॉट अ ट्रैवल एजेंट, ये कि मैं वेबसाइट्स यूज़ करूँगा अगर आपका इतना दिमाग नहीं चल रहा जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया, लेकिन इन केस अगर किसी को असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नहीं कहूँगा, इट्स इनफ कि मुझे जो है एक्सपीरियंस है, तो ये ज़रूर आप करें। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बताना शुरू में भूल गया, वो ये था कि जब आप इन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करें तो दो चीज़ें करें, एक तो क्लियर अपना कैशे क्लियर कर दें, बिकॉज़ ये वेबसाइट क्या होती है, आपका सर्च जो आप सर्च कर रहे होते हैं डाटा वो ट्रैक करती हैं, अपना कैशे क्लियर करें और उसके बाद इनकॉग्निटो मोड पे जाके सर्च करें तो आपको बेटर डील्स मिलेंगी। किसी ने मुझे एक्चुअली बोला था कि मैं ये VPN यूज़ करने के हवाले से, तो मैंने पेड VPN भी ट्राई किया है। मुझे एज सच VPN क्या होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं एम्स्टर्डम जा रहे हैं लंदन जा रहे हैं, तो उस कंट्री का आप VPN लगा के फिर आप सर्च करें अपनी डेस्टिनेशन का। तो किसी ने ये है ये एक टॉपिक है कि जो आपको फ़्लाइट सस्ती मिलती हैं, जब मैंने यूज़ किया था मुझे सच कोई डिफरेंस नहीं मिला था लगा था, लेकिन आप में से अगर किसी ने यूज़ किया है और आपके पास अगर आपको रियली कोई डिस्काउंट मिला है तो डेफिनेटली कमेंट्स में लेके बता सकते हैं। सर्दी यहाँ पे कैलगरी में जो है बस अंधेरा हो रहा है, सर्दी भी बढ़ रही है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करके बताएं, कोई अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली पूछें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।